लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। चंपावत उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी को प्रचंड जीत हासिल हुई है। रिकॉर्ड जीत दर्ज करते हुए जहां सीएम धामी ने एक इतिहास रचा है, तो वही उनके सभी प्रतिद्वंदियों की जमानत जब्त हो चुकी है। कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। हरिद्वार में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हरीश रावत ने राज्य सरकार पर जमकर हल्ला बोला। हार पर हरीश रावत ने कहा कि चंपावत उपचुनाव का परिणाम पहले से ही तय था, मगर जिस तरह से मार्जिन बढ़ाने की होड़ पूरी सरकार में मची हुई थी, उसके परिणाम कांग्रेस से ज्यादा उत्तराखंड की राजनीति और उत्तराखंड के लिए चिंताजनक है। हरीश रावत ने हार के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया। उन्होंने कहा कि हार की जिम्मेदारी पार्टी और पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे। हरीश रावत ने धामी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि चंपावत उपचुनाव में मार्जिन बढ़ाने के लिए लोकतंत्र की हत्या की गई, लोकतंत्र को कुचला गया। लोकतंत्र को बचाने की हम लड़ाई लड़ेंगे और इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। वही हरीश रावत ने भाजपा पर एक और बड़ा आरोप लगाया। चंपावत उपचुनाव पर सवाल उठाते हुए हरदा ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी को अपेक्षा से कम वोट मिले, जबकि कम से कम 15,000 वोट मिलने चाहिए थे। उन्होंने सत्ता पक्ष पर वोट व बूथ कैप्चर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताने के लिए चुनाव प्रणाली का उल्लंघन किया। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने न्यायिक जांच की मांग भी की है। वही हरीश रावत ने विधानसभा चुनाव में अपनी गलती मानते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में उन्हें रामनगर से लालकुआ चुनाव लड़ने नहीं जाना चाहिए था। इसी दौरान जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा था कि चुनाव मैंने लड़ा है, कांग्रेस ने नहीं, इस पर आपका क्या कहना है, तो हरीश रावत ने कुछ भी कहने से साफ मना करते हुए कहा कि इस मामले पर वह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, K24 न्यूज। आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।